परसेंट के कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, मलिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उसमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर शेष हैं, मलिका ने कितने कबूतर खरीदे? तो क्या हुआ क्वेश्चन में, मलिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उसमें से 10% मर गए, तो मैंने कबूतरों की संख्या x माना, मैंने माना x, कबूतरों की संख्या क्या है, x है, और उसमें से 10% कितने पे चलता है, 100 पे, उसमें से 10% मर गए, कितने 10%, तो बचा कितना 90%, कितने बचे 90% बचे, तो x का कितने परसेंट 90% अपॉन 100, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 9x अपॉन 10, इसमें से 25% उड़ गए। अब इसी में से कितने 25% उड़ गए, तो बच्चे कितने 75 बटे 100 ये हो गया, इसको काटेंगे 25 तिहाई और इसको 25 चौके, तो कितना आ जाएगा 9 × 27 बटे 40 एक्स। और फिर बोल क्या रहा है, अब 27 कबूतर शेष हैं, कितने हैं 27 कबूतर शेष हैं, इसके बटे कुछ एक संख्या है, 27 से 27 कट गया, तो x बराबर कितने आ गए 40, तो आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का आंसर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए सी से 50% बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, तो ए बी से कितने परसेंट बड़ा होगा, तो हम लोगों ने सी क्या कर लिया, सी को माना, सी को क्या मान लिया हम लोगों ने 100%, उसमें से ए जो है ए सी से 25% बड़ा है, मतलब 150, और बी सी से क्या है, बी सी से कितना है 25% बड़ा है, तो 125। अब ए बी से कितने परसेंट बड़ा है ना, तो 125 का कितने परसेंट का या के कितने प्रतिशत बड़ा है, तो कितना है 25, किससे 125 से मल्टीप्लाई 100, 25 चौके 100 और ये 100 बटे 4 इसको काटेंगे तो कितना आएगा 20%, तो अब मेरा आंसर क्या जाएगा 20%। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि P माइनस क्यू 50% इक्वल टू P प्लस क्यू का 30% और P बराबर क्यू का X हो, तो X का मान क्या होगा, तो P माइनस क्यू का मतलब होता है मोड मास कहता है, का जैसे मोड बोर्ड मास में ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो का मतलब क्या हो जाएगा गुणा 50 बटे 100 इक्वल टू पी प्लस क्यू का कितना 30% अपन 100, 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, 5p माइनस 5q और 3p प्लस 3q, जब पी एक साइड आएगा और क्यू एक साइड आएगा, तो 2p बराबर 8q इतना हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो 4 आ जाएगा, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q। पूछा क्या है क्वेश्चन में, q बराबर
पी बटे फोर का कितना परसेंट एक्स का एक्स परसेंट हो तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स परसेंट हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो क्यू अपान सॉरी क्यू इक्वल टू पी अपान फोर मल्टीप्लाई परसेंट पूछा है डिवाइड बाई हंड्रेड, इससे ये कट जाएगा कितना आएगा 25। तो क्यू पी का कितना है 25%, कितना है 25%। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x माइनस वाई का 20% इक्वल टू x माइनस वाई का 30% हो तो x का मान y से कितना प्रतिशत होगा। ये क्वेश्चन कह रहा है ना। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने लगा लेते हैं, क्या है कि x माइनस वाई का कितना 20% इक्वल टू x माइनस वाई का 30%। इसको परसेंट में मैंने संख्या में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ जाएगा, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से इस जीरो कट गया। ये जब इसे 5x और माइनस 5y ये होगा तो 3x माइनस 3y, जब ये इस पर आएगा तो 2x बराबर 8y, तो x बराबर कितना जाएगा, x बराबर 4y। अब पूछा क्या है y का मान, तो y बराबर x अपान 4 अपान कितना प्रतिशत होगा अपान 100, और इसको काट देंगे तो कितना जाएगा 25। तो y बराबर x का कितना परसेंट, 25%, x का 25%। ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि a का कितना 90% डिवाइड बाई 100 इक्वल टू b का 30% डिवाइड बाई 100 हो तो b बराबर a का x परसेंट हो तो x का मान क्या होगा ना, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 × 3 = 9 मतलब 3 / a बराबर b। तो पूछा क्या है b इक्वल टू a का कितने परसेंट, तो b बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a का 3 × 100, तो ये कितने हो जाएगा a का 300, a का मान कितना आ जाएगा 300 मान आ जाएगा। हो तो x का मान पूछा है, x की वैल्यू कितनी आ रही है हम लोगों की, 3 आ रही है, आंसर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। यदि x का 125% इसको मैंने डिवाइड में कन्वर्ट कर दिया हो तो सॉरी यदि x का 125% 100 हो तो कितना हो, 100 हो तो x का मान क्या होगा। इसको हम लोग काट देते हैं तो क्या आ जाएगा, और इसको भी काट देते हैं, यह आ जाएगा 25 और यह आ जाएगा 20, इससे ये कट जाएगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 80, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि बहत्तर ग्राम 3.6 किलोग्राम
का कितना परसेंट है, का कितने प्रतिशत है, ये पूछा है कितने प्रतिशत है। तो 72 तीन का 3.6, इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। तो 1000 का मल्टीप्लाई कितने परसेंट, 100 का मल्टीप्लाई, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, इससे ये कट गया, 36 दुना यहाँ पे पॉइंट है, ऊपर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई, तो 36 दुना 72, ये 10 से 10 कट गया, बचा कितना 2, तो कितना परसेंट है, 2% है। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट 48 सेकेंड को 1 घंटे के कितने प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है। 1 मिनट कितना, 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड प्लस 48 का 1 घंटे में, 1 घंटा 3600 सेकेंड, कितने परसेंट होगा। 0 से 0 कट गया, इसको जोड़ देंगे 108/36, इसे काट देंगे तो 3%, कितना आता है 3%। अगला क्वेश्चन आगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।